मनोरंजन का नहीं है तो 78 मिलियन लोग कहां से आए हैं, चांदपुर से। नमस्कार प्रणाम, मैं श्यामल प्रताप सिंह, आप सबका भाई मगहिया जवान। सर, इस वीडियो को आप मगहिया जवान पेज पे देख रहे हो। अभी जो आप लोगों ने देखा राकेश मिश्रा जी को, इनका हमेशा का यही स्टेटमेंट रहता है, कभी किसी पत्रकार पे भड़क जाते हैं, भला बुरा बोलने लगते हैं, कुछ यूट्यूबर्स को अपने हर एक वीडियो में, हर एक इंटरव्यू में टारगेट करते हैं। महाराज, क्या ही आदत है आपका जी, मतलब सब के ऊंचाई सुधार, लेकिन आप कभी नहीं सुधरिएगा। आज तक ईमाने ही नहीं कि अश्लील भी भोजपुरी में गाना आता है। जब देखिए तब इनका एक एक लड़ाई है, अश्लील होता ही नहीं है। 78 मिलियन अगर वो गाना चल गया है, 50 मिलियन अगर वो गाना चल गया है ना, तो अश्लील नहीं है। वो बात बताइएगा महाराज के, लगाई दी चुलिया में भूख राजा जी, एक 100 मिलियन व्यू है, ठीक है, बहिया में कसी के सैया मारेला ऐसे करके जो गाना है, एक 100-150 मिलियन व्यू है, हर जगह ही गाना बजता था, तो क्या इसको हम अश्लील नहीं मानेंगे? इसको महाभारत मानेंगे, रामायण मानेंगे? उसके बाद आपका ही कितना गाना है, अब ही तो छोट बाटी कोरा, अब ही तो छोट बाटी कोरा। अब आप उसको बोलते हैं कि नेगेटिव पॉइंट से देख रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हमको ये बताइए कि आप किसी लड़की को लेके और सामने में सब कुछ इशारा करके अगर गा रहे हैं, आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर तो गा नहीं रहे हैं कि अभी तो छोट बाटी कोरा, तो हम ऊपर देखेंगे बोलेंगे कि हाँ टिकोरा छोट है, ये तो ना देखेंगे जी। आप एक अगर लड़की को दर्शा रहे हैं तो लड़की में क्या है वो दिखाई देगा ना, गनवा में का गा रहे हैं वो का दिखा रहे हैं समेत सब कुछ देखेगा ना, पूरा का पूरा सब कुछ देखेगा, ऑडियो सुनेगा, वीडियो सुनेगा, तब ना लोगों को लगता है कि डबल मीनिंग का गाना है। अब आपको आज तक लगा ही नहीं कि डबल मीनिंग और अश्लील गाना भी है भोजपुरी में। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो खेसारी लाल यादव के बेटी पे वो जो पंकज सिंह गाना गाया था, तब काहे लाइव आके बोल रहे थे जी, जब मनोरंजन के लिए हर एक चीज हो ही रहा है भोजपुरी में, तो फिर लाइव आके काहे भोजपुरी के सिंगर काहे बोल रहे थे आप लोग हैं? फिर आपके हिसाब से तो पंकज सिंह भी सही था, उसको भी छोड़ देना चाहिए, कुछ ना होना चाहिए उसको, लेकिन नहीं, आप लोग ये कभी नहीं मानिएगा। आप लोग को ये है कि जो हम करें ना वो सबसे सही और दूसरा कोई कर रहा है ना तो सबसे गलत है, है ना, यही आप प्रूव करना चाहते हैं। खैर, तो प्रूफ हो गया है, अब मगहिया जवान ही चुप हो गया अश्लीलता को लेके, तो फिर अब और कौन में पावर कितना है वो तो आपको भी पता है कि और कौन बोले वाला है। एक आपको पत्रकार है जो सामना सामने आके पूछ देता है कुछ हो तो फटने लगता है, वो बेचारा बैठ जाएगा। फिर आप लोग आजादी से गाना गाइए और खूब इंजॉय करिए और खूब बिहार के पब्लिक का इंजॉय कराइए और खूब समाज का नाम मिट्टी में मिलाइए। काहे की अथॉरिटी तो आप बिहार सरकार से ले लिए हैं, काहे की यहाँ पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जिसपे आपको रोक लगाया जाए कि इस टाइप का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना अपने गानों में। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई आप जातिवाद गाना नहीं गाते हैं, तो क्या और भी चीजें हैं ना आप में गलत, जो अश्लील गाना को एक्सेप्ट नहीं करना, अश्लील गाना गाना, तो ये सब चीज भी है आप में। तो ऐसा तो नहीं है कि दूध के धूले हैं आप, एक चीज नहीं कर दिए तो सब कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। भाई अगर लोगों के हिसाब से देखिएगा तो हम ये भी मानते हैं कि आप दूसरे कलाकार को भी अपने स्टेज पे, अपने चैनल पे मौका देते हैं अपने साथ गाना बनाने में, जैसे कि श्वेता झा, फिर सब दो तीन को कलाकार के पिस्तल से महंगा तोहर लहंगा लाइव, एकरो में आप दो तीन को कलाकार को मौका दिए हैं, तो जानते ही मौका कहला दिए हैं, कहा कि आपका गनवा नहीं ना चलता है, इसका रिलवा आपका गनवा से ज्यादा चल जाता है, आप इसलिए मौका दिए हैं। हम जानते हैं यहाँ का आपका घूम रहा है ना पब्लिक, हो सकता है कि आपको समझता हो कि आप नया कलाकार को मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मौका क्यों और किस लिए और किसको दे रहे हैं ना, ये मगहिया जवान सब जानता है। तो अगली बार से जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिएगा, और अश्लीलता है भोजपुरी में, इसको मानिए भी, भले से अब हम नहीं बोलेंगे लेकिन इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम नहीं बोलते हैं, बहुत सारा लोग जो बिहार से बाहर रहता है ना वो फेस करते हैं इन सब चीजों को बिहार से बाहर रह के, वो बोलते हैं। तो अच्छा अच्छा गाना गाइए, सपोर्ट मिलेगा जनता का, जनता सब जानता है। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय मगध, जय।